अगर आपके घर में चावल हो और आपका खाने का मन ना हो, या फिर रात की बची हुई चावल हो, तो एक बहुत ही क्विक और इजी तरीके से बनने वाली एक बहुत ही टेस्टी आपको रेसिपी बताती हूँ, जो आप चावल से बना सकते हैं और बिल्कुल आपको देखने में पुलाव लगेगा, ऐसा लगेगा कि आपने पुलाव बनाया है। ये देखिए बिल्कुल टेस्टी और देखते ही इसको खाने का मन होगा। तो चलिए, बहुत सिंपल है और बस 2 मिनट की वीडियो में आप सीखेंगे कैसे आप चावल फ्राई कर सकते हैं, बहुत ही टेस्टी वाली चावल। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर कढ़ाई गर्म कर लिया है और कढ़ाई में मैंने यहाँ पे तेल डाल लिया है। उसके बाद हमने इसमें 2 मीडियम साइज़ के प्याज लिया है, 2 हरी मिर्च, थोड़ा सा धनिया का पत्ता, हरा धनिया और 1 साबुत लाल मिर्च लिया मैंने। और यहाँ पे ताजी चावल है, ठंडी हो चुकी है, लेकिन अभी आपको पता है विंटर के टाइम में ठंडियाँ हैं, तो ऐसे में ठंडा चावल खाने का मन बिल्कुल भी नहीं होता है। सेम रेसिपी आप फॉलो कर सकते हैं, अगर आपके घर में रात की बची हुई चावल हो तो भी आप ऐसे कर सकते हैं। चाहे तो आप मिर्ची को साबुत डालें या तोड़कर डालेंगे तो थोड़ा तीखा स्पाइसेस ज़्यादा होता है। तो यहाँ पे तेल गर्म हो गया, इसके बाद लाल मिर्च और हरी मिर्च मैंने डाल दिया है। अब इनको आपस में लाल कर लेंगे, जब ये लाल हो जाएगा थोड़ा सा, इसके बाद हम इसमें प्याज डाल देंगे। और ये देखिए इसमें मैंने अब प्याज डाल दिया है, प्याज डाल करके हम इसको फ्राई करेंगे। अगर आप चाहें तो थोड़ा एक्स्ट्रा लाल कर लिए, चाहें तो थोड़ा कम लाल कर सकते हैं। और बहुत चीज़ें आपको नहीं लगती, बहुत ज़्यादा तामझाम नहीं है, लेकिन आपको खाने में बिल्कुल पुलाव जैसा टेस्ट आएगा। बहुत अगर आप चाहें तो सब्जी से भी खा सकते हैं, चाहें तो बिना सब्जी के भी खा सकते हैं। तो इसमें मैं आप चावल डाल दूँगी, जब प्याज हमारा बिल्कुल लाल हो चुका है, ये देखिए मैंने चावल डाल दिया यहाँ पर। और इसमें अब हम नमक डाल लेंगे और इसको आपस में मिक्स कर देंगे। हाँ, एक और बात, आप इसको कंटिन्यू चलाते रहें, लगातार चलाते रहें। अगर आप थोड़ी देर के लिए भी छोड़ेंगे तो चावल पकड़ना शुरू हो जाएगा। तेल इसमें कम बिल्कुल भी ना डालें, अगर आपने तेल कम डाला तो ये चावल बिल्कुल सूखा सूखा आपको लगेगा। तेल डालेंगे तो अच्छे से आपको चावल ये टेस्ट आएगा। और इसमें थोड़ा सा 2 से 3 मिनट भूनने के बाद मैंने हरा धनिया डाल लिया, और हरा धनिया डालने के बाद मैं 2 से 3 मिनट और भून लूँगी। तो ये देखिए बिल्कुल पुलाव के जैसे हमारा 5 मिनट हमने भूना है चावल को, 5 से 6 मिनट, और ये हमारी रेसिपी बनके बिल्कुल रेडी हो गई। अब चाहे तो आप इसे बिना सब्जी के साथ खाएं, चाहे तो आप इसे दाल के साथ खाएं, या चाहे तो बिना सब्जी के भी खा सकते हैं। तो ये बहुत टेस्टी रेसिपी है, बहुत क्विक तरीके से बनती है। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, और ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और हाँ, ऐसी ढेर सारी रेसिपीज़ को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जो है उसे प्रेस करें। होप ये रेसिपी आप सबको अच्छी लगी हो, ये बिल्कुल पुलाव जैसा लगता है, और ये चावल फ्राई की रेसिपी बहुत क्विक है, बहुत ईजी है और खाने में बहुत टेस्टी लगता है। तो एक बार ज़रूर ट्राई करके देखें ये वाली रेसिपी। थैंक यू सो मच आप सभी का वीडियो देखने के लिए।